हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर से एक और बड़ी घटना सामने आई है। रामसर कस्बे में कल दिन दहाड़े 30 वर्षीय युवक महेंद्र खां पुत्र मीरा खां की उसके ही साले ने फायर कर खत्म कर दिया। इसके बाद लोगों में आक्रोश छा गया और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। आरोप लगाया कि आरोपी अली खां के साथ अन्य 7 लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया जाए। SP दीपक भार्गव की समझाइश के बाद परिजन मान गए और पुलिस ने आरोपी अली खां को गिरफ्तार कर लिया। वहीं समझाइश दी कि अन्य 7 आरोपियों को जांच के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इसी दौरान मामले की कर रहे रामसर थानाधिकारी सहीराम ने बताया कि मीरा खां पुत्र इदला खान निवासी इदलाणियों की ढाणी में मामला दर्ज कराया कि 7 फरवरी को उसका बेटा मेदर खान रामसर में SBI बैंक के पास इमित्र से बाहर निकल रहा था, तभी अली खां पुत्र काजी खान निवासी खुडानी ग्राम ने फायर कर खत्म कर दिया। इस घटना में गुल्लू खां पुत्र कायम खां, मुबारक खां पुत्र वली खां, इलम खां पुत्र मुबारक खां, काजी खां पुत्र मुराद खां, मोहम्मद अली पुत्र मुबारक खां सभी निवासी खुडानी के हैं। मोहम्मद खां पुत्र अदला खान निवासी बामणौर के शामिल है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम न दें। इस खबर के माध्यम से आपको सचेत किया गया है नेकी विजली, ताकि खुद के साथ घटित होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।